सर है अंदर। आपका नाम? हिमानी मैम। कम इन। सर हिमानी मैडम आई हैं। हाँ भेजो उन्हें। जाइए। अरे हिमानी जी आप वहाँ क्यों बैठी हैं? आइए इधर बैठिए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताइए कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। गुड गुड गुड। और घर पर सभी कैसे हैं? ठीक ही हैं सर। गुड, अच्छा होना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए क्या लेंगी आप? जी कुछ नहीं, सिर्फ पानी। आप ये सोच रही होंगी कि आज मैंने आपको ऑफिस में क्यों बुलाया है। क्यों बुलाया सर? दरअसल मैंने आपको अंजलि की ट्यूशन फीस देने के लिए बुलाया है। दो चाय अंदर भेजो। सर चाय की जरूरत नहीं। इसी बहाने मैं भी पी लूंगा। जी अच्छा। दरअसल मैंने आपको अंजलि की ट्यूशन फीस देने के लिए बुलाया है। देखिए पिछले महीने मैं फीस देना भूल गया और आपने मांगा भी नहीं, और मैं जानता हूं कि आप मांगेंगी भी नहीं, इसलिए मैंने खुद बुलाया है आपको फीस देने के लिए। हाँ रखो, दो चाय दो मैडम को। लीजिए हिमानी जी। ओके। इसमें एक मिनट, मैं जरा बाहर से आया। जी हाँ, लिखा है सारी बातें। ओके हाँ हाँ। तो हिमानी जी हमारी बातचीत जो हुई थी वो हुई थी 7,000 रुपये प्रति माह पर, ठीक है ना? 7,000? नहीं सर, अपनी बात 8,000 की हुई थी। 8,000? जी नहीं नहीं, 7,000 रुपये प्रति माह। मुझे अच्छी तरह याद है सर, 8,000 की बात हुई थी। 7,000 रुपये प्रति माह। ओके हाँ मैडम, तो हाँ हमारी बात 7,000 रुपये प्रति माह ही हुई थी। नहीं सर, मुझे अच्छी तरह से याद है, 8,000 की बात हुई थी। देखिए हिमानी जी, मैं पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। सर वो तो आप माता रानी का भक्त, जीवन में सदा ईमानदार रहा हूँ, आज तक किसी का 1 रुपये भी नहीं खाया, हिसाब किताब का पूरा पक्का आदमी हूँ, इसलिए देखिए मैंने खुद आपको बुलाया है पैसे देने के लिए। ये देखिए मैंने लिख रखा है, यदि आपने कहीं लिखा है तो बताइए। जी मैंने कहीं नहीं लिखा। तो फिर? मुझे पूरी तरह से याद है। देखिए हिमानी जी, याददाश्त का कोई मोल नहीं होता, आज याद है कल भूल गई, फैक्ट्स पे बात करिए ना। आपने यदि कहीं लिखा है तो मुझे दिखाइए। जी नहीं। हमारी बातचीत 7,000 रुपये प्रति माह पर ही तय हुई थी, और मुझे जो आपको पैसे देने हैं वो हैं 1 जुलाई से शुरू किया तो 2 मंथ्स, यानी 1 महीने और 22 दिन। नहीं सर, पूरे 2 महीने की। करेक्ट, 2 मंथ्स, पर उसमें 8 तो संडे पड़ गए ना, 4 पिछले महीने के, 4 इस महीने। संडे? तो टेक्निकली देखा जाए तो वो तो छुट्टी है ना, तो 1 महीने और 22 दिन, तो इस तरह मुझे आपको देने पड़ेंगे 1 महीने और 22 दिन, 7,000 के हिसाब से। हाँ ये टन हो गया। अच्छा फिर है त्योहारों की छुट्टियाँ, 6 दिन त्योहार, और फिर फीवर। हाँ वो अंजलि बीमार हो गई थी 3 दिन, पूरे 4 दिन, 4 दिन बीमार थी आपकी बेटी, आपको याद भी है। हाँ और एक चीज उसमें लिख लेना आप, मैंने 800 रुपये एडवांस में लिए थे रजनी मैम से, उन्होंने बताया नहीं आपको, कंफर्म कीजिए, फोन लगाइए, मिलाइए, फोन मिलाइए, या तो फिर मैं ही मिलाती हूँ। अरे 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 आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं मुझे, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। आप मुझ पे तो भरोसा नहीं करोगे। हाँ रजनी,
अच्छा हिमानी मैम ने तुमसे कुछ एडवांस भी लिए थे क्या? अच्छा हाँ ओके, अरे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। हाँ ठीक है, हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। 800। वैसे आपकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। दाद से याद आया, आपके दांतों में दर्द था, कैसा है वो? वो तो ठीक है। रूट कैनाल? जी करवाया, और क्या करती। पता है आपको, इन डेंटिस्ट लोगों का यही प्रॉब्लम है, छोटा सा दांत का दर्द लेकर जाओ रूट कैनाल बोल देते हैं, ठग बैठे हैं सारे ठग। हाँ लेकिन वो दर्द तो मिटाते हैं। इस दुनिया में कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं और दूसरों को दर्द देते हैं बस। अच्छा उस दौरान आपने कितने दिनों की छुट्टी ली थी? सिर्फ 3 दिन। हाँ हाँ लिखा हुआ है, ये तो लिखा है। हाँ हाँ चलो, सारे हिसाब मेरा पूरा हो गया, तो सब जोड़ के ये ऑलमोस्ट बनते हैं आपके 8,533 रुपये 33 पैसे। बस इतने ही? बस इतने ही? अरे मुझे तो डर लग रहा था आपकी पूरी तनख्वाह कहीं मेरे इस हिसाब किताब में ही ना कट जाए, पर शुक्र है कि इतना तो बच गया। चलिए मैं आपको चेक दे देता हूँ। अच्छा हिमानी जी एक काम करते हैं, ये जो आपका 8,533 रुपये 33 पैसे है इसको राउंड फिगर कर देते हैं, यानी 8,534 रुपये, ठीक है? अच्छा आप चेक पे हिमानी ही लिखती हैं ना अपना नाम? जी हाँ, और क्या लिखूंगी। अच्छा आपको एक बात बताऊं, सभी कहते हैं ना कि मैं अपने दादाजी पर गया हूँ, उन्हीं की तरह ईमानदार, माता रानी का भक्त दादाजी। ये लीजिए, अच्छा चेक कर लीजिए। एक मिनट रुकिए, क्या कहा आपने मुझे? क्या बोला? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? ये जो आपने पैसे दिए हैं मुझे। ये मैंने आपको पैसे दिए हैं? जी। ये मैंने अभी आपको लूट लिया है। आइए बैठिए, प्लीज बैठिए आप प्लीज। कहिए और कुछ बाकी रह गया हो तो। रिलैक्स, जी नहीं प्लीज पानी पीजिए प्लीज मैम। गुड वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप वो चेक नहीं लेंगी। आप जानती हैं दूसरे उस चेक को स्वीकार कर लेते हैं, उस चेक को स्वीकार करना एक मानसिकता है, एक सोच है जिसका फायदा उठाकर लोग उनका शोषण करते हैं, उन्हें दबाते हैं और वो दबते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी तो अपनी मजबूरियां हैं ना। यदि कहीं उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठा दी तो ये जो बचे खुचे पैसे दिए थे ना मैंने आपको, ये भी मिलने बंद हो जाएंगे, उल्टा नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए ये लोगों की सारी गलत बातों को यूं ही खामोशी के साथ बर्दाश्त करते रहते हैं, पर इसमें मैं उनका कसूर नहीं मानता। दरअसल उन लोगों की इच्छा शक्ति ही मर गई है। जानती है हिमानी जी, मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में किसी भी ईमानदार आदमी का शोषण हो, उसका हक माना जाए। ये लीजिए आपकी पूरी तक हो।
एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोली। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बोल सकती, लेकिन खुद एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दूंगी कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े, और यदि कहीं किसी का शोषण हो रहा हो तो उनके हक के लिए भी आवाज उठाए। मैं इतना तो जरूर कर सकती हूँ सर। इस दुनिया में ताकतवर इंसान बनना कितना आसान है। अपने से कमजोर लोगों का हक छीनो और खुद ताकतवर बन जाओ।